खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। साल की शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर साउथ फिल्में हो चुकी है और कई बड़ी बड़ी फिल्में अभी तक सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हुई है और इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन की फिल्म का नाम भी शामिल है। पुष्पा द रूल फिल्म को लेकर फैंस बेसब्री इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुकी है और फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। पुष्पा 2 फिल्म को रिलीज होने में अभी पूरे 4 महीने का वक्त बचा हुआ है। उससे पहले ही इसके तीसरे पार्ट को लेकर अपडेट सामने आ गया है, जिसके बाद फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। या तो पूरी तरह सकता है हो चुका है कि फिल्म का तीसरा पार्ट भी आएगा, इसकी जानकारी खुद अल्लू अर्जुन ने दी है। .com वेबसाइट के मुताबिक फिल्म का टीजर पार्ट को लेकर अपडेट आ गया है। उनका कहना है कि सिंगल पार्ट में फिल्म को दिखाना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसके तीसरे पार्ट का लेने का फैसला किया गया है। आपको यह भी बता दें कि दूसरे पार्ट की शूटिंग खत्म होने के बाद सुकुमार और अल्लू अर्जुन तीसरे पार्ट के कोई हिस्से को शूट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच तीसरा पार्ट का नाम फाइनल कर दिया गया है। और आप सभी को बता दें कि पुष्पा 2 के रिलीज होने के पहले ही पुष्पा पत्रिका आपको बार अपडेट सामने निकल कर आ जाएगा। .com वेबसाइट के मुताबिक तीसरे पार्ट का नाम पुष्पा द रॉयर ऐसा कहा जा रहा है कि इसको फाइनल कर दिया गया है। फिल्म की आगे कहानी में पुष्पा का राज होगा, जहां पर फिल्म की कहानी दिखाई जाएगी। लेकिन अब तक खबर यह है कि फिल्म के मेकर्स ऑफिशियली ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन जल्दी कर देंगे क्योंकि इसकी शूटिंग इसी साल की आखिर तक पूरी तरह से खत्म होने की उम्मीद है। यानी कि साल 2025 में आपको फिल्म का तीसरा पार्ट भी आ सकता है। अगर आप फिल्म देखने का शौकीन है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।